अगर आप सोचिए कोई कैंसर वार्ड में 10-11 साल का बच्चा है, उसका 8 साल की एज पे कैंसर डिटेक्ट हो गया था, अब उसकी जीवन बस टाइलें, ड्रिप्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल, उसके उसकी उसका बचपना छिन गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई दवाइयाँ, पीपल थिंक कि ये खतरनाक है। तो हमने बुल मैस्टिफ, रॉटवाइलर, पिटबुल और इंडिको थेरेपी डॉग बनाया है। बहुत लोगों ने लैब, गोल्डन रिट्रीवर और इन सबको तो ईजिली बना दिया, तो उनका प्री डिस्पोजिशन ही फ्रेंडली है, उनकी परसेप्शन भी फ्रेंडली है। जिन डॉग्स को लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे, हमने उनको थेरेपी डॉग बनाया। और पिछले 10 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज, मेरा नाम अमित कुमार और हमारी एक सीरीज चल रही है अदनान खान के साथ, जो कि K9 स्कूल के ओनर हैं। जो सीरीज, अगर जितने भी टॉपिक्स और वीडियोस होंगे, अगर आपको कंप्लीट वो सीरीज अगर देखनी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पर, आप वहां जाके अदनान भाई के सारे वीडियोस वहां पे देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। सबसे पहले हम अदनान भाई का वेलकम करते हैं फिर से अपने चैनल पे। इन्होंने हमें टाइम दिया और जो इनकी एक सीरीज चल रही है जिसके लिए विजित भाई ने एक छोटा सा क्लिप एड भी किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। और किसी तरह के जो जितनी सीरीज हैं आप उसमें टॉपिक देखना कि अगर किसी तरह के टॉपिक्स आप लोगों को लगता है कि ये छूटे हुए हैं तो वो टॉपिक्स आप हमें कमेंट्स करके बता दिया करें, तो उन टॉपिक्स पे भी हम अदनान भाई के साथ वीडियो करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कंप्लीट बने रहें, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलेगी। तो सबसे पहले तो अदनान भाई, आपका वेलकम है चैनल पर। और आप एक टॉपिक है थेरेपी डॉग्स से लेके, काफी ये फेमस होता है या काफी लोगों के ये चीजें मैंने सुनी भी है कि थेरेपी डॉग क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, प्लीज इस टॉपिक पे आज बताएं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द व्यूअर्स, फॉर द ग्रेट रिस्पांस। हमारे पुराने वीडियोस को बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलता जा रहा है, तो होपफुली आप लोग ये ऐसे ही लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। एंड प्लीज गिव अस मोर एंड मोर टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस। एंड थैंक यू सो मच अमित भाई एंड टीम फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। मतलब मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है और काफी वेलकमिंग मतलब एटमोसफियर है आपकी कम्युनिटी एंड व्यूअर्स वगैरह की। फ्यू ट्रोल्स विल ऑलवेज बी देयर, बट दैट्स ओके, दैट्स देयर दिस थिंग, दे आर ओनली इंक्रीजिंग आवर पॉपुलैरिटी। सो कमिंग टू द टॉपिक थेरेपी डॉग्स का, अब अगेन थेरेपी डॉग्स में बिफोर आई कम टू माई जर्नी, माई एक्सपीरियंस, मैं पहले समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है। एक वर्ल्ड फेमस कॉन्सेप्ट है अब थेरेपी डॉग्स, पिछले 20-25-30 ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन गया है और बनना भी चाहिए, बिकॉज डॉग्स की मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिक वो है कि ब्रीड जब बनाए जाती थी ना हज़ारों साल पहले, तो वो ब्रीड किसी काम के लिए बनाई जाती थी। हम लोग की लाइन ऑफ वर्क ही ये है कि वर्किंग ब्रीड मीन्स डॉग नीड्स टू वर्क। एक टाइम पे डॉग जो था, जो भी ब्रीड बनाई थी, वो आदमी के साथ काम पे जाता था। जैसे रॉटवाइलर जो है, बर्लिन में एक गाँव है रॉटवाइल नाम का, वहाँ पे ये डॉग बनाया गया था। एक कसाई का डॉग था, बुचर्स डॉग था। तो वहाँ पे क्या था कि उस टाइम पे मीट की कमी बहुत थी, ठीक है, तो वो एक उन्होंने एक ऐसा डॉग बनाया जो बच्चों के साथ परफेक्ट रहेगा, फैमिली के साथ फंटास्टिक रहेगा, और उनकी मीट की गाड़ी, कसाई की जो मीट की गाड़ी है वो एक बैलगाड़ी की तरह उन पे बांध के ही ले जाते थे। फिर बुचर की शॉप पे ये डॉग बाहर रहता था, क्योंकि जब कोई भुखमरी से है तो वहाँ पे चोरी वगैरह, लोग पूरे हथियार लेके उनकी दुकान पे आ जाते थे। मतलब मीट जो था, चिकन, मटन, बीफ, जो भी कह लें, तो वो सोने के भाव से भी ज़्यादा हो गया था पहले पुराने ज़माने में। आपको पता है जब फैमिन और भुखमरी होती है तो आलू के लिए भी मर्डर हो जाएगा, रोटी के लिए भी, पूरा मतलब फार्म लाइफ में तो हमें ये एक्सपीरियंस रहते हैं पूरे। तो रॉटवाइलर उस रॉटवाइल गाँव में बनाया गया था, जो कि एक कंप्लीट ब्रीड थी, प्रोटेक्टिव, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, वर्किंग एंड लवली विद किड्स, अ बेबी सिटर या नैनी डॉग। इसका हम एक फॉलोइंग टॉपिक भी कर रहे हैं, पिटबुल्स और रॉटवाइलर्स की सारी गलत फहमियां हटाने के लिए लोगों के बारे में, क्योंकि बहुत एक पब्लिक व्यू चेंज हो रहा है, तो हम उसका इस साइड के बारे में बात करेंगे। सो एनीवे, सो वर्किंग डॉग्स पहले होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सिर्फ कंपेनियन डॉग्स हैं, पेट डॉग्स हैं, लोग घर पे पालते हैं, अपना ऑफिस पे निकल जाते हैं, अपना काम पे निकल जाते हैं, वापस आते हैं, डॉग को खाना पीना दिया, तो बट डॉग की वर्क नहीं हो रहा है, डॉग्स हमारे साथ वर्क नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उनकी ब्रीड में, उनकी टेम्परमेंट में, उनकी हैप्पीनेस में बहुत डिफरेंस आ गया, उनकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आ गया। थेरेपी डॉग्स एक ऐसी जॉब है जो कि वर्किंग डॉग्स में आज की डेट में वन ऑफ द ईजिएस्ट जॉब है। डॉग की बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो काफ़ी फ्रेंडली और सोशल रहे। फ्रेंडली और सोशल में फ़र्क क्या है कि फ्रेंडली मतलब कि डॉग आपको देख के पूंछ हिला रहा है, आपके गोद में बैठ रहा है, आपके साथ है। सोशल का मतलब है कि आपके साथ सेम कमरे में है, और ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेंडली हो, आपके साथ सेम रूम में है, बट वो ना आपके तरफ दौड़ रहा है ना आपसे दूर दौड़ रहा है। तो सोशल और फ्रेंडली में भी दो मेजर डिफरेंसेस हैं, इसलिए मैं उनको साथ में बोलता हूँ, दे आर नॉट द सेम थिंग्स इन डॉग लैंग्वेज। एंड सोशल और फ्रेंडली होना चाहिए,
दूसरी बात कि थेरेपी डॉग पहले 2 साल उसकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो इतना कॉन्फिडेंट है कि बाहर कोई शोर हो रहा है या बाहर कोई मतलब कोई पैनिक का एटमोसफियर हो गया है, अफरा तफरी कुछ भी हो गया, बारात है, कोई मेला है, कोई भीड़ है, ट्रैफिक है, हाईवे है, डॉग को डरना नहीं है। जो हमारी वर्किंग डॉग्स की एक प्रिंसिपल, एक पॉलिसी रहती है कि अगर हम पपी रेस कर रहे हैं तो पहले दूसरे साल में डॉग के अंदर के सारे फियर एंड नर्वसनेस और एंग्जाइटी हटा दें, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दें उनका। तो थेरेपी डॉग भी उस तरह से ही रेज होता है कि आपने उसको इतना कॉन्फिडेंट बना दिया कि अब हम उसे किसी हॉस्पिटल में, किसी ओल्ड एज होम में, किसी स्पेशल स्कूल में ले जा के वहाँ पे जिन लोग का माइंड सेट इतना खुश नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, या तो उनको मेडिकल कंडीशन कोई सीरियस है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, या स्पेशल किड्स हैं जैसे ऑटिस्टिक हो गए, सेरिब्रल पॉल्सी हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, और इवन बेसिक मेंटल बिहेवियर, मेंटल वेलबींग इशूज़ हैं लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ऑल ऑफ दोज, किसी को एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी को लाइफ में कोई स्ट्रेस है, PTSD हो गया किसी इंसिडेंट से, तो ऐसे जितने भी मेंटल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं हमारे डॉग्स उनको जाके एक कंपेनियनशिप और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक तरह से एक रिलैक्सेशन देते हैं। कि अगर आप सोचिए कोई कैंसर वार्ड में 10-11 साल का बच्चा है, उसका 8 साल की एज पे कैंसर डिटेक्ट हो गया था, अब उसकी जीवन बस टाइलें, ड्रिप्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल, उसके उसकी उसका बचपना छिन गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई दवाइयाँ तो उनमें जा रही हैं, मेडिसिन तो उनमें जा रही हैं, बट विल पावर भी तो एक चीज़ होती है ना आगे बढ़ने के लिए। कोई सोचिए पैरालाइज पैदा हुआ बिकॉज ऑफ सेरिब्रल पॉल्सी और पोलियो और सम कंडीशन, तो हमें सिर्फ मेडिकल रिहैब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दवाइयाँ और डॉक्टर्स नहीं चाहिए, हमें अंदर से सहनशीलता और अंदर से एक ऐसी पॉजिटिविटी लानी है इंसान में कि उसकी रिकवरी या उसकी मैनेजमेंट तेज़ी से हो पाए, राइट? बिकॉज अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो वो इतना कीमोथेरेपी होता है कि उन्हें उल्टियाँ भी आती हैं, उन्हें पेन भी होता है, उन्हें थकान भी होती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर या फैमिली उन्हें खुश नहीं रख पाती क्योंकि वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो हमारे थेरेपी डॉग्स प्रोफेशनली, स्टेला भी बैठी थी, थोड़ा सा नीचे बैठ गई है जो, तो स्टेला वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट थेरेपी डॉग्स। 2014 में मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। मेरा पहला डॉग है होमर, जो कि भिंडर साहब से लिया था मैंने अमृतसर, उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था। लाली भिंडर जी अंकल बहुत फेमस है ब्रीडिंग लाइन में, उनके बेटे विक्रम भिंडर जी, और हॉर्स लाइन में भी काफ़ी फेमस है, तो दे आर माई फैमिली फ्रेंड्स। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट डॉग बुल मैस्टिफ ला के गिफ्ट किया था, हालांकि वो जर्मन शेपर्ड स्पेशलिस्ट है, बट ही फाउंड एंड सोर्स्ड। मैं लगभग उस टाइम 19-20 साल का होऊंगा, दैट वाज माय फर्स्ट डॉग। तो मैंने तब मेरा पेट स्कूल का कोई विजन नहीं था, कोई मैं अपना एक मैं एंटरप्रेन्योर बचपन से ही बनना चाहता था, तो मैं स्टार्टअप्स काफ़ी चलाता हूँ, डॉग स्कूल तो एक ही स्टार्टअप है, तब मैं कुछ और स्टार्टअप्स पे भी वर्क कर रहा था, राइट? सो उस डॉग के साथ मैंने पहले 6 महीने में ही इतनी एडवांस, इतना कुछ ट्रेन कर लिया, वो भी बुल मैस्टिफ जो कि लोग अनट्रेनेबल कहते हैं, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि यार, और वो एसी ऑन ऑफ कर लेता था, इंग्लिश वर्ड मामा ऐसे मतलब अपने वे में बोलने की कोशिश कर लेता था, बहुत चीज़ें कर लेता था एज अ बुल मैस्टिफ। तो मैंने सोचा कि यार हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि मतलब उसकी लाइफ में और पर्पस मिले। तो मैंने अपना एक खुद का और नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला थेरेपी डॉग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था K9 हीलर्स। आज वो एक एस्टैब्लिश्ड NGO है जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, दर्पण सर्टिफिकेट भी है उसका, ATG फॉर्म भी है उसके, सारे के सारे मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड CSR अप्रूव्ड हमने एक फाउंडेशन रजिस्टर किया है, जिस फाउंडेशन में आज हम पहले भी मैंने उसका थोड़ा जिक्र किया था, आज हम अलवर पब्लिक स्कूल के साथ अलवर में डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, डॉग्स को न्यूटर कर रहे हैं। 2014 में वो एक मेरा सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट था जिसमें मैं सिर्फ थेरेपी डॉग्स को स्पेशल किड्स के पास लेके जाता था। मेरे घर के पास तमन्ना स्पेशल स्कूल था, बहुत फेमस स्कूल है श्यामा चोना जी का, TPSRKpuram का ही एक सब्सिडियरी है, तो मेरे डॉग्स वहाँ जाते थे सैटरडे संडे, और वहाँ जितने स्पेशल किड्स हैं, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, उनके साथ खेलते थे, वो बच्चे उनका नाम लेते थे, उनको याद करते थे, उनके बारे में ड्राइंग बनाते थे। तो मुझे भी एक संडे को एक ऐसी चीज़ मिल गई जिससे मैं खुशियाँ स्प्रेड कर पाऊँ, मेरे डॉग्स को भी ऐसा जॉब मिल गया कि वो वहाँ पे थोड़ी अपनी ट्रेनिंग दिखाते हैं, ट्रीट्स लेते हैं, और इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग भी नहीं है, दे जस्ट हैव टू बी अ गुड डॉग एवरीवेयर, दे जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली, सोशल एंड अ गुड डॉग ओवरऑल, जो कि बेसिक अच्छे ट्रेनिंग स्कूल से आप पहुँच सकते हैं अपने डॉग को थेरेपी डॉग बनाना। मैं अपील करता हूँ, इनफैक्ट सारे व्यूअर्स को अर्ज करता हूँ कि इस वीडियो के बाद रीच आउट टू अस कि आपके घर पे आपका एक डॉग है जो फ्रेंडली है, स्टेला जैसा है, पेट करता है, डरता नहीं है, थोड़े बहुत गैप्स रह गए होंगे आपकी थेरेपी डॉग ट्रेनिंग में, बट आप उसको ज़रूर
हमारे पास रीच आउट करिए कि आप एक थेरेपी डॉग वॉलंटियर कैसे बन सकते हैं और आप अपने डॉग को एक थेरेपी डॉग बना के उसको प्रोफेशनली थेरेपी विजिट्स कैसे करा सकते हैं। हमारा केनाइन हीलर्स फाउंडेशन कम्प्लीटली नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव है। जब हम थेरेपी विजिट्स के लिए जाते हैं तो हम टोटली अपने एक्सपेंस और अपने कॉस्ट पे जाते हैं, हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का खर्चा तब आता है जब उसको अपने डॉग की ट्रेनिंग करानी हो या उसको हमसे कोई ट्रेनिंग कोर्स लेना हो टू बिकम अ थेरेपी डॉग ट्रेनर और हैंडलर। तो एक्सपेंसेस जो है वो सिर्फ डॉग स्कूल के हैं और बंदा खुद से भी हमारा फॉर्मेट देख के यूट्यूब पे आके बिना कुछ पे करे भी अपने डॉग को पहुंचा सकते हैं। हमारे एक थेरेपी डॉग का एक ऑफिशियल स्टैंडर्डाइज नेशनलाइज टेस्ट आ गया है जो कि इंटरनेशनल बॉडीज ने क्रॉस वेरीफाई भी कर दिया है। उसमें सीधा मेरे थेरेपी डॉग के जब जब टेस्टिंग होगी मैं और कुछ और लोग उन डॉग्स को सर्टिफाई कर सकते हैं उनको टेस्ट करके, और हर 6 मंथ्स में उनको आके चेक कराना है। उसके बाद जब उनका डॉग एक लेवल का थेरेपी डॉग बन गया, जूनियर इंटरमीडिएट सीनियर आप कैसा भी कह लीजिए, तो वो खुद से आसपास के वृद्धाश्रम में या ओल्ड एज होम में या साइकेट्रिक वार्ड में या मेडिकल में या बेसिक स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ऑफिस में जाके अपने डॉग के साथ थेरेपी विजिट्स करा सकते हैं हमसे सीख के। तो ये एक NGO, ये एक संस्था, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि हम हमारे डॉग्स के साथ सिर्फ एक गुड डॉग बनके या एक पेट डॉग बनके ना रहे, हमारे डॉग की भी एक छोटी सी जॉब हो कि वो आगे जाके खुशियां फैला पाए और वो लोगों को दिखा पाए कि अच्छे डॉग भी होते हैं इस टाइम पे दुनिया में। अभी इंडिया में स्पेशली एक ऐसी न्यूज है कि कुत्ते पागल हैं, रेबीज देते हैं, काटते हैं, डरो भागो ये वो, और स्पेशली रॉटवाइलर्स इंडीज पिटबुल। तो केनाइन हीलर्स का एक सिंपल पॉलिसी है, हम दूसरी ब्रीड्स भी एक्सेप्ट करते हैं बट वी प्रायोरिटाइज ऑन ऑल द ब्रीड्स दैट पीपल थिंक कि ये खतरनाक है। तो हमने बुल मैस्टिफ, रॉटवाइलर, पिटबुल और इंडी को थेरेपी डॉग बनाया है। बहुत लोगों ने लैब गोल्डन रिट्रीवर इन सबको तो इजीली बना दिया, तो उनका प्रीडिस्पोजिशन ही फ्रेंडली है, उनकी परसेप्शन भी फ्रेंडली है। जिन डॉग्स को लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे हमने उनको थेरेपी डॉग बनाया, और पिछले 10 साल में मोस्टली हमारी जो टारगेट वो रहे हैं, सब्जेक्ट्स रहे हैं, वो भी इंसान की दुनिया में वो भी आउटकास्टेड और ऑस्ट्रसाइज लोग हैं। क्योंकि मैं भी अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ की वजह से काफ़ी आउटकास्ट किया जाता हूँ हर कम्युनिटी से प्रोफेशनली, वेदर इट्स ट्रेनिंग ब्रीडिंग, क्योंकि मैं ओपनली आउटराइटली चीज़ें बोलता हूँ राइट। तो एंड आई डोंट वांट टू अलाइन, मैं किसी भी उसमें अपने आप को अटकाता नहीं हूँ कि यही है तो ये एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं काफ़ी आउटकास्ट और बचपन से ही मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड और काफ़ी अपने में ही रहता था, एनिमल्स के साथ रहता था। तो मैंने एक प्रायोरिटाइज किया कि हमारा जो पॉलिसी है वी विल चूज मार्जिनलाइज ब्रीड्स, जो कि ब्रीड्स जिनके बारे में लोग गलत समझते हैं, एंड वी विल चूज पेशेंट्स हु आर आल्सो मार्जिनलाइज्ड, कि कोई एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, अब लोग उन्हें अलग मानते हैं, किसी को एलिफेंटियासिस है, कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे कुछ है, किसी को डाउन सिंड्रोम है, उनको तो ऑब्वियसली लोग डिसलेक्सिक ऑटिस्टिक डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को एकदम ही अलग मानते हैं, आउटकास्ट मानते हैं लोग, लेप्रेसी पेशेंट्स हो गए, और हमेशा LGBT तो ट्रांसजेंडर्स हमेशा एक थर्ड क्लास सिटीजन उन्हें मानते हैं। तो जो इंसानों को भी लोगों ने हमेशा बुरा प्रूफ किया, आउटकास्ट कर दिया, बुली किया, उनके साथ बुरी ट्रीटमेंट की, हमारे थेरेपी डॉग सबसे पहले उनके पास जाते हैं और उन्हें खुशियां देते हैं और उन्हें इंक्लूड करते हैं कि आप हमारे, आप भी हम जैसे ही हैं, हम भी आप जैसे ही हैं, आप में कोई कमी नहीं है। उससे ज़्यादा तो नॉर्मल लोगों में बहुत ज़्यादा कमी है जो लोग छुपा रहे हैं। इनफैक्ट उसी प्रोजेक्ट से, हमारे थेरेपी प्रोजेक्ट से ही आज हमें तिहार जेल का दिल्ली गवर्नमेंट से ऑफिशियल प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें हम तिहार के, मैंने पहले भी बताया था, तिहार के बच्चों को डॉग ट्रेनिंग पढ़ा रहे हैं ताकि वो एक अच्छे प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर, हैंडलर, पैरावेट या ग्रूमर्स असिस्टेंट बन पाए बेसिकली। ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को यहाँ इतना ही रखेंगे क्योंकि इस लिस्ट में, हमारी सीरीज में और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो ये एक थेरेपी डॉग का एक सिंपल सा जो क्वेश्चन था कि थेरेपी डॉग मेरा मैंने पूछा था कि क्या होते हैं, तो मुझे भी आज मेरे भी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गए हैं थेरेपी डॉग को लेके। तो आप प्लीज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि अदनान भाई से अगर आपको कुछ पूछना है, आप कोई क्वेश्चन चाहते हैं, आपको कुछ लगता है कि यहाँ उन्होंने कुछ गलत बोला, आप लोगों को लग रहा है कि आपको ज़्यादा पता है, आपको अच्छा पता है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, उससे हमें भी लगेगा, पता लगेगा कि आप कि क्या सही है क्या गलत है, और कोशिश करेंगे हम उस टॉपिक पे आगे जाके बात करें।